कुल मिला के हमारा एक ही धंधा है कि हमने प्रदेश के लिए देश के लिए काम करना है। भैया मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मुझे आज तक पार्टी ने जिस मोर्चे पर खड़ा किया मैंने काम किया उसके बाद हमें जनता की नब्ज देखनी आती है और इनको जनता की नब्ज नहीं पता। और जिस डॉक्टर को जनता की नब्ज मरीज की नब्ज ना देखनी आती हो उसको अपना क्लिनिक बंद कर देना चाहिए। आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है प्रदेश के लिए भी देश के लिए भी देश की राजनीति के लिए। क्योंकि आज तक 70 साल देश को नकारात्मकता के आधार पर ही सरकारें बनती और गिरती रही कि एक सरकार आई उसने गलत काम किए और लोग दूसरी को ले आए फिर उसने गलत काम करे फिर तीसरी को ले आए। पहली बार है कि सकारात्मकता के आधार पर सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में ये बहुत बड़ी बात है सारे देश के लिए और देश की राजनीति के लिए। अमित साहब कल मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें क्या नया कुछ लेके जा रहे हैं? अब जो एजेंडा आएगा उसमें देखते हैं क्या उसमें जो आएगा एजेंडा। कुल मिला के हमारा एक ही एजेंडा कि हमने प्रदेश के लिए देश के लिए काम करना है और हरियाणा को भी उसी रफ्तार के साथ हमने आगे लेके जाना जिस रफ्तार के साथ नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की ओर लेके जा। कहीं ना कहीं आपका भी चेहरा था मुख्यमंत्री के तौर पर, उसको किस तरह से देखते हैं? भैया मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मैंने तो एक स्पष्टीकरण दिया, मेरे कार्यकर्ताओं में एक बात फैला दी गई कि भाई अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। मैंने तो उसका स्पष्टीकरण दिया था केवल कि भाई मुझे आज तक पार्टी ने जिस मोर्चे पर खड़ा किया मैंने काम किया उसके बाद जहां मुझे भेजा मैं गया हूँ, जो मेरी ड्यूटी लगाई मैंने की है। और अगर ये दायित्व भी मुझे देंगे तो मैं निभाऊंगा। मैंने चाहा नहीं, अगर चाहा होता तो आज तो मैं कंबल लेके लेटा हुआ होता। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम हैक हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए अब हारने वाला जो तो फेल हो जाता है ना वो कई प्रकार के रोने रोता है। कई बार तो कहता जी कमरे में रोशनी कम थी, कभी कहता मेरी शाही गिर गई थी, कभी कहता रस्ते में मेरी साइकिल पंक्चर हो गई थी, कभी कहता रेड लाइट हो गया। तो ये रोने के अलग अलग तरीके हैं। खास करके कांग्रेस के हुड्डा साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अगर मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता 120 दिन का चुनाव का समय था, हर मुकाम पर मैंने कहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के समर्थन के और सहयोग के सरकार बनाएगी, जो कि सच भी साबित हुआ। अगर मैं देख सकता हूँ तो ये क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ये जनता में रहते ही नहीं, हम जनता में रहते हैं, हमें जनता की नब्ज देखनी आती है और इनको जनता की नब्ज नहीं पता। और जिस डॉक्टर को जनता की नब्ज मरीज की नब्ज ना देखनी आती हो उसको अपना क्लिनिक बंद कर देना चाहिए। आज सरकारी कर्मचारी खौफ लेते हैं आपसे कि गब्बर आ जाए काम करो, तो इस बार क्या? देखिए ऐसा मैं अनिल विज हूँ, अनिल विज था, अनिल विज ही रहूंगा। अब लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, लोग मुझे बाबा भी कहते हैं। अब ये नहीं, लोगों का प्यार है, लोग कुछ भी कहें, जो गलत काम करने वाले हैं उनको तो मेरे से खौफ खाना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जिस तरीके से सीएम का जो दर बदल किया गया है, खट्टर साहब पर क्या भरोसा नहीं था कि अगर खट्टर साहब के चेहरे पर नहीं, खट्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। ये जो तीसरी बार रिपीट हुई है इसमें खट्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। 9.5 साल मुख्यमंत्री वो रहे हैं, इसीलिए उनके अच्छे काम को देखते हुए उनको वो और ऊपर ले गए कि सारे देश में उनके काम का लाभ।